हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में घन के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। थॉमस, मुझे तुमने आज इस गोदाम में क्यों बुलाया है? मानस, मेरे पिताजी अपने व्यापार के लिए यहाँ 125 घनाकार डिब्बे रखना चाहते हैं। मुझे पिताजी ने उन डिब्बों की विमा ज्ञात करने को कहा है। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज्ञात कर ही नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल, पर मैं नहीं, गणित तुम्हारी मदद कर सकता है। इसका मतलब ये गणित का समय है। थॉमस, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस घनाबाकार गोदाम की क्या विमा है? गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 40 मीटर, 20 मीटर और 10 मीटर है। देखो थॉमस, ये गोदाम घनाभाकार है, इसलिए हम इसमें जितने घनाकार डिब्बे रख सकते हैं उनका कुल आयतन वॉल्यूम इस गोदाम के आयतन वॉल्यूम के बराबर होगा। अच्छा, घनाभ के आयतन का ये सूत्र है, जहां L, B और H क्रमशः घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। चलो, मैं इसमें इस घनाभाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के नाप लिखकर झट से इसका आयतन ज्ञात कर लूं। देखो मानस, गोदाम का आयतन 8000 घन मीटर है। तुम्हारे पिताजी को इस गोदाम में 125 घनाकार डिब्बे रखने हैं, और जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, इस गोदाम का आयतन इन सभी घनाकार डिब्बों का कुल आयतन के बराबर है। इसलिए एक घनाकार डिब्बे का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें केवल गोदाम के आयतन को 125 से भाग देना होगा। इस तरह एक डिब्बे का आयतन है 8000 भाग 125, 64 घन मीटर। अरे वाह, अब तो ये बहुत आसान हो गया। हमें एक घनाकार डिब्बे का आयतन मालूम है, और हम ये भी जानते हैं कि घन का आयतन L घन के बराबर है, जहां L घन की किसी भी भुजा का नाप है। अब बस हमें यहाँ घन के आयतन की जगह एक डिब्बे का आयतन लिखकर इसे हल करना है, और फिर हमें घनाकार डिब्बे की भुजा का नाप ज्ञात हो जाएगा। घनाकार डिब्बे की भुजाएं 4 मीटर लंबी हैं। धन्यवाद मानस, मेरी मदद करने के लिए। अब चलो, हम अपनी दुनिया में लौट चलें। मुझे पिताजी को डिब्बों की विमा भी तो बतानी है, ताकि वे डिब्बे बनवा सकें। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह घन के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ मिथ्या धारणाओं को देखेंगे।